गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ जीके। आपने हमने कल क्या पढ़ा था? चैप्टर फर्स्ट। कौन सा चैप्टर पढ़ा था? फर्स्ट हॉबी। ये वाला चैप्टर पढ़ा था ना हमने। जीके की बुक कौन सी है? ये वाली। पता है ना आप सबको, बता रखी है मैंने। फिर देखिए, इसका कल पढ़ा था हमने फर्स्ट चैप्टर हॉबी। इसमें क्या पढ़ा था हमने? कौन कौन सी अच्छी आती होती है, जैसे पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, रीडिंग, ये सब हमारी क्या होती है? हॉबीज होती है। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर टू हेल्थ क्लब। पहले बात सुनिए मेरी, जो कल मैंने वर्क दिया था वो सबने कंप्लीट कर लिया? जिसने नहीं किया है वो कर लेना, जिसने बुक्स नहीं ली वो बुक्स ले लेना जल्दी। सब ऑलमोस्ट सभी ने बुक्स ले ली है, आप अपनी अपनी बुक्स ले लिए। इसका आज का हमारा चैप्टर है हेल्थ क्लब। कौन सा है? हेल्थ क्लब। हेल्थ क्लब मीन्स जहाँ पर स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी जाती है, जहाँ पर हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जानकारी दी जाती है, वो हेल्थ क्लब होता है। देर आर वेरियस एक्टिविटीज़ इन हेल्थ क्लब। जो हेल्थ क्लब होता है उसमें बहुत ही क्रियाएँ, बहुत ही गतिविधियाँ होती है उसमें। मतलब हर चीज़ बताई जाती है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज वगैरह हर चीज़ बताई जाती है। सो इसलिए रुचि हैज ज्वाइंट हेल्थ क्लब इन हिज स्कूल। इसलिए रुचि ने अपने स्कूल में हेल्थ क्लब ज्वाइन कर लिया है। अब देखिए, अवेयरनेस, वी शुड नॉट ईट जंक फूड। हमें जंक फूड नहीं खाने चाहिए। जंक फूड कौन से फूड होते हैं? जो बाहर की चीज़ें होती है उनको जंक फूड बोलते हैं, जैसे पिज्ज़ा, बर्गर, पतासी, चाउमीन, मोमो, ये सब क्या है? जंक फूड है। जहाँ तक हो सके हमें घर का खाना खाना चाहिए, पौष्टिक जो हेल्थी फूड है वो खाना चाहिए। जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए। ऑलवेज इट हेल्थी बैलेंस डाइट। हमें हमेशा बैलेंस डाइट, हेल्थी बैलेंस डाइट लेना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए, पौष्टिक खाना खाना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए। थर्ड देखिए, वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईच मील। खाना खाने से पहले और बाद में हैंड वॉश करने चाहिए, हाथ धोने चाहिए। सब बच्चे धोते हैं ना? धोते हैं सब बच्चे? सही बात। अभी तो आजकल तो सभी धोते हैं कि कोरोना चल रहा है, तो जरा से हम बाहर निकलते हैं उसमें हैंड वॉश करते हैं ना, सैनिटाइज करते हैं, हैंड वॉश करते हैं। तो खाना खाने से पहले और बाद में हैंड वॉश करना चाहिए। अब देखिए, ये पिक्चर्स दिख रही है आपको, ये लिखा हुआ है आइडेंटिफाई दिज एक्टिविटीज एंड राइट द करेक्ट लेटर्स इन एल बॉक्स। जो ये एक्टिविटीज है, जो गतिविधियाँ हैं, उन सबको आइडेंटिफाई कीजिए, पहचानिए एंड राइट द करेक्ट लेटर्स इन हेल्प बॉक्स। और जो हेल्प बॉक्स बने हुए हैं ये वाले, ये देखिए, ये हेल्प बॉक्स बने हुए हैं आपके ए बी सी डी ई एफ। ये हेल्प बॉक्स में से टॉपिक है जो इनके बॉक्स में जो करेक्ट लेटर है ये वाला ए बी सी डी, ये इस बॉक्स में लिखना है। ओके, सबको समझ में आ गया? अब देखिए, ये फर्स्ट पिक्चर है, इसमें क्या है? दो बच्चे हैं, हमारा जो तिरंगा झंडा है, नेशनल फ्लैग है, उसके आगे खड़े हैं। मीन्स ये क्या कर रहे हैं? प्रेयर कर रहे हैं ना, जनगणमन बोल रहे हैं, नेशनल एंथम बोल रहे हैं। सेकंड देखिए, ये स्कूल है, स्कूल के बाहर गार्डन है, इसमें बच्चे पौधों को पानी दे रहे हैं, प्लांटिंग कर रहे हैं ना। देखिए इधर, प्लांट्स में सैम्पलिंग कर रहे हैं, तो ये पौधों में पानी दे रहे हैं। थर्ड देखिए, दो बच्चे हैं, सुबह सुबह बाहर घूम रहे हैं, मतलब वॉकिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चे? वॉकिंग कर रहे हैं। इधर देखिए थर्ड, ये दो बच्चे यूनिफॉर्म में बैठे हैं, फोर्थ यूनिफॉर्म में बैठे हैं, इनके टीचर हैं, ये इनको पढ़ा रहे हैं। इट मीन्स ये क्लास में रीडिंग कर रहे हैं, क्लास में पढ़ रहे हैं। इधर देखिए, ये बच्चे खाना खा रहे हैं, इसमें देखिए इनके पास क्या क्या है, चपाती, राइस, मिल्क है ना, तो ये डाइट फूड कर रहे हैं, हेल्दी फूड है वो कर रहे हैं, संतुलित आहार खा रहे हैं, संतुलित भोजन खा रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं। इधर देखिए, ये बच्चे क्या कर रहे हैं? इन्होंने कैप लगा रखी है, इनके हाथ में क्या है? बैट है ना, पीछे गिल्लियाँ भी है, तो ये क्या खेल रहे हैं? कौन सा गेम खेल रहे हैं? क्रिकेट। कौन सा खेल रहे हैं? क्रिकेट। अब देखिए, जो फर्स्ट पिक्चर है इसमें क्या कर रहे हैं ये बच्चे? जनगणमन बोल रहे हैं। अभी इधर नीचे से हम ढूंढेंगे हेल्प बॉक्स में से। फर्स्ट है चिल्ड्रंस प्लेइंग क्रिकेट, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं? नहीं खेल रहे। सेकंड देखिए, चिल्ड्रंस सिंगिंग जनगणमन, चिल्ड्रंस बच्चे जनगणमन गा रहे हैं, तो ये बच्चे गा रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम फर्स्ट में ऑप्शन बी। क्या लिखेंगे फर्स्ट में? ऑप्शन बी। क्या है बी?
चिल्ड्रन सिंगल जन गण मन, ये हो गया आपका फर्स्ट। फर्स्ट का आंसर आएगा बी। हेल्प बॉक्स में से चूज किया है हमने बी, चिल्ड्रन सिंगिंग जन गण मन। सेकंड देखिए, सेकंड पिक्चर में क्या कर रहे हैं बच्चे, पौधों को पानी दे रहे हैं। तो इधर देखिए हम फर्स्ट में क्या आया था, चिल्ड्रन प्लेइंग क्रिकेट, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। बी में आया था चिल्ड्रन सिंगिंग जन गण मन, बच्चे जन गण मन बोल रहे हैं। थर्ड है चिल्ड्रन स्टडिंग इन क्लास, बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं तो ये बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। चिल्ड्रंस वॉकिंग इन पार्क, बच्चे पार्क में घूम रहे हैं वो भी नहीं कर रहे हैं। ई है चिल्ड्रंस ईटिंग हेल्थी फूड, बच्चे हेल्थी फूड खा रहे हैं वो भी नहीं खा रहे। चिल्ड्रंस प्लांटिंग सैपलिंग, चिल्ड्रंस प्लांटिंग सैपलिंग, बच्चे पौधों में पानी दे रहे हैं ना। तो ये आएगा बी में एफ, चिल्ड्रन प्लांटिंग सैपलिंग। सेकेंड पिक्चर उसमें लिखेंगे बॉक्स में हम एफ, क्या लिखेंगे एफ, चिल्ड्रन प्लांटिंग सैपलिंग, क्या है चिल्ड्रंस प्लांटिंग सैपलिंग, बच्चे पौधों में पानी दे रहे हैं। अब थर्ड पिक्चर देखिए, ये बच्चे क्या कर रहे हैं, पार्क में घूम रहे हैं। तो इधर से देखेंगे हम फर्स्ट में क्या आया था, ए में चिल्ड्रन बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, बी में आया था बच्चे जनगणमन बोल रहे हैं, सी में आया था बच्चे क्लास में, डी में आया था चिल्ड्रंस वॉकिंग इन द पार्क, तो ये बच्चे पार्क में घूम रहे हैं तो ये लिखेंगे हम डी। तो थर्ड है इसमें लिखेंगे डी, क्या लिखेंगे डी, चिल्ड्रन वॉकिंग इन द पार्क, बच्चे पार्क में घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं बच्चे पार्क में घूम रहे हैं। अब देखिए फोर्थ पिक्चर, इसमें क्या बताया था मैंने, बच्चे बैठे हैं यूनिफॉर्म पहन के पढ़ रहे हैं। यूनिफॉर्म पहन के कब बैठते हैं हम, स्कूल में जब हमारे टीचर पढ़ाते हैं तभी बैठते हैं, तो ये इनके टीचर है तो ये क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं। तो कौन सा है ये, ए में क्या आया था चिल्ड्रंस प्लेइंग क्रिकेट, बी में चिल्ड्रंस सिंगिंग जनगणमन, सी में चिल्ड्रंस स्टडिंग इन क्लास, बच्चे क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं। फोर्थ में आएगा सी, चिल्ड्रन स्टडिंग इन द क्लास, बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं। अब देखिए फिफ्थ पिक्चर, इसमें क्या कर रहे हैं बच्चे, खाना खा रहे हैं। इसमें क्या क्या है इनके पास, मिल्क राइस चपाती, तो ये कौन सा है हेल्दी फूड, कौन सा फूड है हेल्दी फूड। तो ये कहाँ है, ए में क्या आया था बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, बी में जनगणमन गा रहे हैं, सी में है क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, डी में है पार्क में घूम रहे हैं, ई में है चिल्ड्रंस ईटिंग हेल्दी फूड, बच्चे हेल्दी फूड खा रहे हैं संतुलित भोजन खा रहे हैं। तो ये कौन सा आएगा ई, फिफ्थ में आएगा ई, चिल्ड्रन ईटिंग हेल्थी फूड, बच्चे क्या कर रहे हैं संतुलित भोजन कर रहे हैं। अब देखिए सिक्स पिक्चर, इसमें क्या हो रहा है, ये बच्चे क्या कर रहे हैं क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये कहाँ है, ए पर, चिल्ड्रंस प्लेइंग क्रिकेट, सिक्स में आएगा ए, चिल्ड्रन प्लेइंग क्रिकेट।
आ गया सबको समझ में कैसे करना है? जो वाला आपके हेल्प बॉक्स है उसमें से पिक्चर देख के यहाँ पर चूज करना है। तो मैंने आपको लिखवा दिया, फर्स्ट में क्या आया, बी चिल्ड्रन सिंगिंग जनगणमन, बच्चे जनगणमन बोल रहे हैं। सेकंड में है चिल्ड्रन प्लांटिंग सेपलिंग, थ्री में आएगा चिल्ड्रन वॉकिंग इन पार्क, फोर्थ में आएगा चिल्ड्रन स्टडिंग इन क्लास, फिफ्थ में आएगा चिल्ड्रंस ईटिंग हेल्थी फूड, सिक्स में आएगा चिल्ड्रंस प्लांट सॉरी चिल्ड्रंस क्या कर रहे हैं, प्लेइंग क्रिकेट, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट हुआ। सबको समझ में आ गया? आ गया सबको समझ में? आपको ये फील करने हैं। अब बताइए मुझे हेल्थ क्लब क्या होता है? हेल्थ क्लब में अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती है अपने शरीर से लेके, जैसे योगा व्यायाम एक्सरसाइज, ये सब क्या है, हेल्थ क्लब के पार्ट हैं। हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए। जंक फूड किसे कहते हैं बताया था मैंने, जो बाहर का खाना होता है जैसे पिज्ज़ा बर्गर पतासी चाउमीन मोमो, ये सब क्या है, जंक फूड है। इनसे हमें बहुत कम खाना चाहिए, घर का खाना खाना चाहिए। ऑलवेज ईट हेल्थी बैलेंस डाइट, हमें हेल्थी बैलेंस डाइट खानी चाहिए, संतुलित भोजन खाना चाहिए। इसमें क्या आती है, हरी सब्जियाँ दाल चावल रोटी दूध, ये सब क्या होते हैं, फ्रूट, क्या होते हैं ये, बैलेंस डाइट, हेल्दी बैलेंस डाइट, संतुलित भोजन। वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईच मील्स, हमें अपने हाथ खाना खाने से पहले एंड खाना खाने के बाद में धोने चाहिए, हैंड वॉश करने चाहिए ना, सब बच्चे हैंड वॉश करते हैं। अच्छा, तो आज हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हुआ। आप SW नोट कर लीजिए। होम असाइनमेंट, रीड चैप्टर टू, चैप्टर टू पढ़िए। जो आपका चैप्टर टू मैंने पढ़ाया है इसको पढ़ना है और अच्छी तरह समझना है सब बच्चों को, क्या क्या पिक्चर में क्या क्या दिया गया है, और फिर इनको फील करना है। फील मैंने करवा दिया है आपको, तो अब आपको इसी तरह अच्छी तरह समझना है, ठीक है। अब कल हम पढ़ेंगे जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है डिफरेंट हाउस, जो अलग अलग तरह के विभिन्न प्रकार के घर होते हैं उनके बारे में। ओके, बाय।